हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, और अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हो। मुझे जो दोस्त पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से ज्वाइन किया है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे पेज पे डॉक्टर आसिम परवेज़ अहमद के। मैं हूँ डॉक्टर आसिम परवेज़ अहमद, MD एंड डिप्लोमा ऑफ फैमिली मेडिसिन। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इंफॉर्मेशन लेके DOH के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ UAE मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम, और उनके बारे में मैं आपको दूंगा इंफॉर्मेशन फॉर दिस एग्ज़ाम, और आप एग्ज़ाम की कैसे तैयारी कर सकते हैं, और DHO के लिए आप कैसे मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये लाइसेंस एग्ज़ाम पर्सन व्यू के थ्रू हो रहा है, और स्पेशलिटी के लिए कौन कौन स्पेशलिस्ट ये डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट वाले कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स। और एग्ज़ाम ये इस्टेब्लिश हुआ है DOH, ये 2004 में इन्होंने स्टार्ट किया था हद के नाम से, अब इनको तब्दील करके DOH कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अबू धाबी UAE एग्ज़ाम है ये। और ये कन्वर्ट भी हो जाता है एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम कन्वर्ट हो जाता है DHA के अंदर। जब आप DHO क्लियर कर लेते हो तो ये एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है आपके DHA में। पहले इसकी कैटेगरी आपको बताता हूँ, आप कैसे अप्लाई करेंगे। पहले आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपके पास सोर्स वेरीफाई जो आजकल गल्फ़ के अंदर है, वो है डेटा फ्लो। इनकी अपनी वेबसाइट है DHO की, उसके अंदर आप जाएं, डेटा फ्लो को क्लिक करें, अपना पर्सनल अकाउंट बनाएं डेटा फ्लो के थ्रू, उसके अंदर ही आपको वहां की एलिजिबिलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी के लिए। वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो आप करेंगे उसमें आपकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, और आपका गुड स्टैंड सर्टिफिकेट मस्ट है, एंड मेडिकल लाइसेंस। अगर आपने इंडिया से किया है तो MCI, अगर आपने पाकिस्तान से किया है PMDC, अगर आप बांग्लादेश से किया है तो BMC, अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री से हैं जैसे स्वीडन, डेनमार्क से, तो उनका लाइसेंस आप शो करेंगे। और लास्ट एक्सपीरियंस मस्ट है, एक्सपीरियंस के बगैर आप DOH दे ही नहीं सकते, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अबू धाबी एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। 3 ईयर्स आपको जनरल प्रैक्टिशनर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और 4 ईयर की ट्रेनिंग आपकी FCPS की हो या DNB की हो, वो लाजमी है जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं या रेजिडेंट हैं उसके लिए MBBS की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड गुड स्टैंड सर्टिफिकेट आपके होम कंट्री के लिए, होम कंट्री से आपका गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, और जो आपकी एक्सपीरियंस हो वो भी आपका अपने कंट्री का हो एक्सपीरियंस, तो वो आपका माना जाता है DHO के अंदर। तो ये वेरीफाई करवाएंगे आप डेटा फ्लो से, फिर आप एलिजिबिलिटी के लिए DHO की वेबसाइट में जाएंगे, एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपके चारों ही क्लियरेंस होनी चाहिए डेटा फ्लो रिपोर्ट में, एक तो आपकी ग्रेजुएशन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन करवाएं विद ट्रांसक्रिप्ट, दूसरा है आपका लाइसेंस, तीसरा है आपका गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, चौथा है आपका एक्सपीरियंस। तो ये आप डेटा फ्लो के थ्रू जो है वो वेरिफिकेशन करवाएंगे, और पर डॉक्यूमेंट 300 AD है हाँ अबू धाबी के। तो इसका थोड़ा सा आपको पैसों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि यार डॉक्टर साहब हम DHO की फ़ीस कैसे जमा कराएं, कैसी होगी फ़ीस, कितनी होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ DHO की 300 AD फीस है पर डॉक्यूमेंट्स की, वो आप वेरीफाई कराएंगे, वेरीफाई के बाद आप जाएंगे एलिजिबिलिटी में, एलिजिबिलिटी लेके आप सीधा पर्सन व्यू, जब आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी DHO से क्लियर, आप पर्सन व्यू की वेबसाइट पे जाएंगे, एग्ज़ाम की डेट लेंगे। एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल है, और एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि USMLE CK1 बेसिक क्वालिफिकेशन क्वेश्चन भी है पेपर के अंदर, मिनिमम 15% है,
और बाकी जो 85% है वो क्लिनिकल क्वेश्चन है पेपर के अंदर, और पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन भी है और 150 क्वेश्चन आजकल इन्होंने रूल्स में रखे हैं। 150 में आपको तकरीबन जीपी के लिए 60% चाहिए, और जो रजिस्ट्रार सीनियर रजिस्ट्रार स्पेशलिटी के लाते हैं वो 70, और जो कंसल्टेंट है उसके लिए 80% लाजमी है, और यहाँ कोई भी वाइवा नहीं है पेपर के बाद। पेपर आपका क्लियर हो जाता है, आप सीधा लाइसेंस के प्रोग्राम में जाते हो, जो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन है वो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन आप DOH की लेंगे, और DOH को तैयारी के लिए मैं आपको सम बुक्स बताता हूँ। जनरल प्रैक्टिशनर के लिए आप लेक्चर बुक पकड़ लें ऑक्सफोर्ड की मेडिसिन की, और इमरजेंसी मेडिसिन पकड़ लें, तो उससे आप बेहतर ये है कि आप अपनी थ्योरी तो पहले स्ट्रॉन्ग करें, और बेसिक के लिए आप CK1 पढ़ें, उसको पूरा रट लें, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई करें DHO के पर्सन व्यू से एग्ज़ाम की। और MCQ ग्लोरी बेस्ट है, ग्लोरी SMLE के MCQ इसमें काम आते हैं, और ग्लोरी MCQ ऑलरेडी मेरे पेज पे मौजूद हैं, पीट्स के भी मौजूद हैं, जनरल मेडिसिन वालों के लिए भी मौजूद हैं, और जनरल सर्जरी के लिए भी। तो पीट्स वालों के लिए भी यही है कि आप जाके वहाँ से मेरे ही पेज से जाके वो आप ग्लोरी MCQ 2019 के कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई नहीं है, प्रैक्टिस MCQ USMLE मास्टर रिव्यू के भी आप जनरल प्रैक्टिशनर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्राइटेरिया एग्ज़ाम का थोड़ा स्ट्रिक्ट है बाकी एग्ज़ाम से, इसमें ज़्यादातर सिंड्रोम के ऊपर मारामारी की गई है इम्तिहान के अंदर। सिंड्रोम आपको सारे आने चाहिए, किसी भी डिजीज़ के मुताबिक आपको हर चीज़ क्लिनिकल अप्रोच, आपकी नॉलेज, आपका जो बेसिक जो प्राइमरी में आप MBBS के अंदर पढ़ाए या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ट्रेनिंग के दौरान आपने जो क्लिनिकली तैयारी की हुई है वो लाजमी लाजमी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना ये पेपर आप क्लियर नहीं कर सकते। और जनरल प्रैक्टिशनर 60% भी लेना इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रांग नंबर है, और ये आम लड़के काफ़ी बैठते हैं एग्ज़ाम में या बच्चियां बैठती हैं वो पास नहीं कर पाती, तो उसके लिए ये कि आप ऑक्सफोर्ड जनरल प्रैक्टिशनर मेडिसिन के लिए ऑक्सफोर्ड मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, USMLE CK1 की बुक, बेसिक आपके माइक्रो बायोकेमिस्ट्री एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेन मेन चैप्टर आप उसके लेक्चर नोट्स पढ़ लें CK1 USMLE से, और ऑक्सफोर्ड मेडिसिन लाजमी उसको रिपीट करें, और MCQs के लिए रिव्यू मास्टर USMLE के हैं MCQs, वो जनरल प्रैक्टिशनर और स्पेशलिस्ट के लिए लाजमी है, वो आप रिव्यू करें। और कोशिश ये करें अगर FCPS के आपके पास MCQs हैं तो वो शहजाद गुल के भी आप रिपीट कर सकते हैं, और ग्लोरी 2019 MCQs मस्ट हैं DOH के लिए, ठीक है, उसको भी आप रिपीट कर सकते हैं, वो मेरे पेज पे ऑलरेडी है। आप मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें, और जितनी भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं मैं सब दोस्तों को इंफॉर्मेशन DOH की दूंगा। आप सब बेहतरीन, मेरा जो एक ईमान है आप DOH का एग्ज़ाम दें, इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरे काफ़ी दोस्त भाई इंडिया से भी पूछ रहे थे कि ब्रदर वहाँ प्रॉब्लम है जॉब के लिए मैं कोई गारंटी नहीं बताता, जॉब के लिए यही होता है जब आपकी अच्छी परसेंटेज पासिंग आउट DHO होगा तो आराम से जॉब मिल जाएगी। आराम से का मकसद ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें और जॉब मिल जाती है। अबू धाबी के अंदर बहुत मेडिकल सेंटर है, शफा मेडिकल सेंटर हैं, ताहरा मेडिकल सेंटर हैं, किंग सऊद हॉस्पिटल है वहाँ के, और ख़ास तौर पे अबू धाबी के अंदर शेख जायद हॉस्पिटल है, बहुत उसके अंदर टीचिंग होती है, और आजकल तो अरब बोर्ड भी आपको ट्रेनिंग के लिए अलो कर रहा है। हाँ बिल्कुल, अरब बोर्ड भी आपके लिए ट्रेनिंग के लिए अलो कर रहा है, तो उस वक़्त की आप अरब बोर्ड के थ्रू भी जा सकते हैं बिल्कुल। तो सेम DHO पास करेंगे आप ऑटोमेटिकली DHA के लिए एलिजिबल हैं वहाँ। हाँ, और
DHO का पासिंग रिजल्ट लगाएंगे, अपनी एलिजिबिलिटी लगाएंगे और उनको भेजेंगे अपनी डेटा फ्लो, तो ऑटोमेटिक आप उनके सिस्टम में आ जाएंगे और DHO की जो पासिंग रिजल्ट आपकी एलिजिबिलिटी वो आपको DHA में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा चांस है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का आप एग्ज़ाम आराम से नहीं भी देंगे, आपको सीधा लाइसेंस मिल जाएगा, उसकी देने की ज़रूरत नहीं है, पर पासिंग आउट करना DHO लाजमी है, बिल्कुल हाँ। और स्पेशलिटी के लिए मैं आपको सबसे बेहतर हल ये बताऊं कि स्पेशलिटी वालों के लिए मेडिसिन जो स्पेशलिटी प्रोग्राम में DHO एग्ज़ाम दें तो अपने FCPS MCQ बिल्कुल उसकी तैयारी रखें, ठीक है। और ग्लोरी MCQ SMLE के और डेविडसन लिपन कॉर्ड फार्माकोलॉजी की और जर्नल मेडिसिन में सबसे बेहतर आपकी क्लिनिकल अप्रोच के ऊपर है सारा पेपर। 150 MCQs है, 70 अप से अबोव आपको क्लियर कर दें, मिनिमम आपको 100 से अबोव अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपकी 80% बन जाती है पेपर में, ख़ासतौर पे मेडिसिन डॉक्टर के लिए जो स्पेशलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर साइकेट्री में हैं या एंडोक्रोनोलॉजी फेलोशिप स्पेशलिटी की हुई है तो उसके हिसाब से आपके उन्हीं, अगर साइकेट्री का है तो साइकेट्री के अंदर जो भी आपने पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर भी। और सेम आ जाएं आप जनरल सर्जरी, जनरल सर्जरी में सबसे मसला ये है कि आप बेसिक वो एनाटॉमी आपकी, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी आपकी मजबूत हो। जितने भी स्पेशलिस्ट हैं जनरल सर्जन वहाँ जाके DHO एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, उनकी वजह यह है कि बेसिक एनाटॉमी, स्ट्रक्चर एनाटॉमी और उनकी ओरिजन इंसर्शन आर्गन की वो उनको पता ही नहीं होता, और पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव तो नहीं है, इजी होता है, पर वो समझ नहीं पाते और वो फेल हो जाते। एज ए FCPS भी काफ़ी फेल हुए हैं DHO के अंदर, जो FCPS जनरल सर्जरी में करके पाकिस्तान से जाते हैं या DNB इंडिया से करके जाते हैं, वो तो काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए आप बेसिक सर्जरी MCQs MRCS लाजमी, आप मल्टीपल MCQs MRCS के जो है ना वो रिपीट करें जनरल सर्जरी स्पेशलिटी के लिए। आ जाएं अब मेडिसिन कार्डियोलॉजी के लिए, वो कार्डियोलॉजी के लिए आपको बेसिक ECG एक तो आप रिपीट करें, और कार्डियोलॉजी में आप बेसिक ऑक्सफोर्ड पढ़ें, जो कार्डियोलॉजी में एज ए स्पेशलिस्ट हैं, FCPS किया है पाकिस्तान से, DNB इंडिया से किया है या MD हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो उसके लिए सबसे आसान जो नॉलेज वाली बुक्स हैं वो तो डेविडसन के अंदर ही कार्डियोलॉजी की बहुत बेहतरीन चैप्टर दिया गया है, आप डेविडसन को रिपीट करें। और MCQs आप अपने FCPS सबसे बेहतर है, DNB के MD के MCQs आप शहजाद गुल के रिपीट करें, और MRCP आइलैंड वाले MCQs भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और MRCP UK कार्डियोलॉजी के लिए वो MRCP UK Part 1, Part 2 की जो कार्डियोलॉजी की MCQs हैं वो आप रिपीट करें। तो आपका ये कार्डियोलॉजी की जितने भी FCPS किया है या DNBMD किया है वो आराम से DHO क्लियर कर सकते हैं, वो कार्डियोलॉजी में इतना मसला नहीं है। तो सेम हर स्पेशलिटी के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन हैं, 110 आप क्लियर करते हैं तो 80% आपका रिजल्ट बन जाता है, DHO आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है अबूधाबी का। और सबसे अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ पीट्स की, पीट्स वालों के लिए जो पीट्स स्पेशलिटी हैं जिन्होंने DHO बेसिक नॉलेज जो है नेल्सन, उसके अंदर नैनोटोलॉजी बेहतरीन तरीके से पढ़े, नैनोटोलॉजी और एंडोक्रोनोलॉजी, और आपका एक चैप्टर है जेनेटिक्स का, ये तीन चैप्टर अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो आपके अच्छे लेक्चर नोट्स बन जाएंगे और यही पेपर के अंदर आते हैं। और कार्डियोलॉजी मस्ट है, नेल्सन की आपने कार्डियो सारी पढ़नी है, क्योंकि बारीक बारीक क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी लोग नेल्सन पढ़ने के बाद और MCQs जो MRCP CH के आपके पास हैं या ग्रुप हैं पीट्स वालों के लिए, तो वो ग्रुपों में जाएं और MCQs की तैयारी करें। DHO
सबसे इजी पीट्स वालों के लिए है, उसमें नैनोटॉलोजी पूरी भरी हुई है पेपर के अंदर। हाँ बिल्कुल, तो मैं कार्डियोलॉजी के बाद आपको पीट्स का भी बताया। पीट्स के लिए आप MRCP CH के जो है ना MCQ से तैयारी करें, और ग्लोरी SMLE MCQ मेरे पेज पे पीट्स के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है ना। फिर आ जाएं आप गायनी वाले, गायनी ओप्स और गायनी के लिए तो आप अनस की लेक्चर बुक बेसिक पढ़ लें, और शहजाद की पढ़ें बेसिक लेक्चर की, और MRCOG की लेक्चर नोट्स से रिपीट करें सारी गायनी की जितनी भी डिजीज हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, मेनोरेजिया, ओवरियन सिस्ट। ज़्यादातर लोग मुझसे गायनी के सवाल बहुत करते हैं, मैंने उनको टॉपिक्स बहुत बताए कि लेक्चर, जब तक आप लेक्चर नोट्स नहीं पढ़ेंगे आप MCQs क्लियर नहीं हो, आपके कॉन्सेप्ट गायनी में और ऑप्स में क्लियर होने चाहिए, फिर ही आप DHO दे सकते हैं जो स्पेशलिस्ट हैं गायनी के। हाँ बिल्कुल, बेसिक नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओवरियन सिस्ट आपको पूरा स्ट्रक्चर, उसकी सर्जिकल प्रोसीजर सारे पता हो, और फाइब्रॉइड तो मस्ट है, फाइब्रॉइड, मल्टीपल फाइब्रॉइड, उसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं DHO के अंदर। ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन हैं, पर एग्ज़ाम गायनी वालों के लिए बहुत ईजी है, सेम पीट्स वालों के लिए ईजी है, सेम गायनी वालों के लिए भी ईजी है। हाँ बिल्कुल, तैयारी आप लोगों ने करनी है DHO की, मैं कोशिश करूँगा, मेरे जितने दोस्त हैं, मैं DHO की आपको तैयारी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और गायनी वालों के लिए बहुत ईजी है। अब मैं आता हूँ आर्थो वालों के, आर्थो सर्जरी वालों के लिए एक प्रॉब्लम है यहाँ, ये वहाँ से तो FCPS इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, प्रोसीजर भी बहुत अच्छे करते हैं, नी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, टीबिया फिबिया की फ्रैक्चर रिप्लेसमेंट अच्छी होती है, पर इनकी बेसिक नॉलेज बहुत वीक होती है। तो आप अपनी बेसिक नॉलेज आर्थो वाले बहुत अच्छी करें, आर्थोपेडिक सर्जन बहुत मांगे DOH के लिए, दुबई में, अबू धाबी में, अलैन में आर्थोपेडिक छाए हुए हैं, कम से कम 40,000 AD उनकी सैलरी है, ठीक है ना। तो आप बेसिक आर्थोपेडिक की जो बुक हैं, और स्ट्रक्चर एनाटमी जितनी भी आपकी बोन है, स्ट्रक्चर एनाटमी उनकी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आर्थोपेडिक के लिए। आज ये अनकोलॉजी के लिए, अनकोलॉजी जो स्पेशल अनकोलॉजिस्ट हैं DHO देना चाहते हैं, और कैंसर डिपार्टमेंट में शेख जायद हॉस्पिटल अबू धाबी जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन है कि आपको ईच एंड एवर टोटली मेडिकल की जितनी भी नॉलेज है, एक तो आपको परफॉर्मेंस नॉलेज बहुत बेहतर होनी चाहिए, आपको मिलग्नेंसी का पता हो, आपको बिनाइन का पता हो, आपको ट्यूमर्स का पता हो, आपको बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए अंकोलॉजिस्ट के लिए। उनके लिए आप अपनी जो है बेस्ट बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, लिपन कॉर्ड है अंकोलॉजी की मेडिसिन में, ठीक है ना। इंटरनल मेडिसिन में आप डेविडसन को रिपीट कर सकते हैं, और अंकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेक्चर नोट्स भी बहुत मौजूद हैं नेट के अंदर। आप MCQs की बारी है, MCQs में यहाँ अनकोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम होती है, MCQs आप MRCP के और मास्टर रिव्यू अनकोलॉजी के MCQs ऑलरेडी USMLE के मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं, आप उनसे करें और ग्रुप को ज्वाइन करें, अनकोलॉजिस्ट के लिए बेहतरीन है, ठीक है ना मेरे भाई। DOHO जो इस्टेब्लिश हुआ है ये एग्ज़ाम, ये 2004 और 2005 के बीच में हुआ है। ज़्यादातर लोग DOHO क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है DHA के अंदर एग्ज़ाम, बिल्कुल। और सबसे बेहतर है फैमिली मेडिसिन के लिए, आज अब जो मेरी स्पेशलिटी है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फैमिली मेडिसिन की लेक्चर नोट्स पढ़ें, और MCQs आप फुल्ली प्रैक्टिशनर जर्नल प्रैक्टिशनर वाले SMLE ग्लोरी से तैयार करें, और ग्रुप ज्वाइन करें जिनके अंदर MCQs डेली बेस पे बच्चे MCQs डॉक्टर्स नर्स स्टाफ सारे MCQs शेयर करते हैं, वो आप प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है ना। तो बेहतरीन है DHO के लिए। अभी आ जाएं आप नर्स स्टाफ के लिए, नर्स स्टाफ के लिए 50% है DHO के लिए, DHO लाइसेंस हासिल करने के लिए नर्स स्टाफ के लिए ये है कि
वो अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन, जो आप नर्स, जितनी भी नर्सेज हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनके अंडर में आपने कहीं सीनियर के अंडर में काम किया है, तो आप अपनी बेसिक नॉलेज अप्रोच पे ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। DHO इतना मुश्किल नहीं है नर्सेज के लिए, क्योंकि वो डेली बेसिस पे प्रोसीजर करती हैं, डेली बेसिस पे वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। और DHO एग्ज़ाम इस वक्त छाया हुआ है अबू धाबी में, अल ऐन में, शारजा में, दुबई में। आप DHO क्लियर करेंगे, आप दुबई में काम कर सकते हैं, अल ऐन में काम कर सकते हैं, बिल्कुल। और शारजा में तो आप MOH आपको ले लेगा, DHO लाइसेंस पे कन्वर्ट हो जाता है MOH पे। जैसे आपने DHO एग्ज़ाम पास किया, आप अपना रिजल्ट कार्ड लगाएं, एलिजिबिलिटी लगाएं, आप MOH UAE का लाइसेंस ले सकते हैं, सेम DHO भी लाइसेंस आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी का ले सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों। मेरे डॉक्टर्स, जितने भी फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर हैं, मेरे सब भाई हैं, आप तैयारी करें। मैं पिछली वीडियो में आपको मस्कत के बारे में बताया था, उमान ओसिम्बी के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको DHO के बारे में बताया है कि DHO में आप कैसे एलिजिबल होंगे, कैसे आप डेटा फ्लो करवाएंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके लगेंगे, वो मैं सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तैयारी करिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना मीठा फल मिलेगा आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम मुश्किल है बाकी एग्ज़ाम से। जैसे सऊदीया का एग्ज़ाम मुश्किल हो गया है, सेम यही मुश्किल है। इसके लिए आपके पास रिव्यू मास्टर MCQ USMLE मस्ट है, वो आप रिपीट करें। और शहजाद की आप FCPS Part 1 के MCQs जनरल प्रैक्टिशन के लिए वो रिव्यू करें, ठीक है। और प्रैक्टिस करें, जितना अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है, आराम से पास हो जाता है। काफ़ी मेरे दोस्त पास कर गए हैं DHO, और काफ़ी वहाँ अबू धाबी में, अल ऐन में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें घबराए नहीं, तैयारी करें, जम के पढ़ें, पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं सऊदी अरब में जितने भी यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ हालात वो नहीं रहे डॉक्टरों के, यहाँ माइग्रेशन के इश्यूज़ हैं, डॉक्टरों के बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं अभी। प्राइवेट सेक्टर में तो आप कहीं भी अप्लाई ना करें, मैं कहूँगा आप MOH शेख जायद UAE अबू धाबी के हॉस्पिटल में अप्लाई करें, जो भी FCPS हैं डायरेक्ट वो ले लेते हैं, अगर आपका DHO लाइसेंस क्लियर है एग्ज़ाम, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी, फीसों का मसला है, फीसें काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप पैसे जमा करें और साथ साथ में एग्ज़ाम की तैयारी करता रहें। मेरे दोस्त इंडिया से हैं, काफ़ी लोगों ने DNB किया हुआ है, मेडिसिन में, सर्जरी में, वो सब पास कर गए हैं एग्ज़ाम, ठीक है ना। हाँ, असल जो इम्तिहान देने का तरीका होता है वो आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर है। अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है तो आप DHO का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। क्राइटेरिया सेम है गल्फ के एग्ज़ामों का, पर एक्साइटेड एग्ज़ाम है, इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम है, बेसिक नॉलेज पे है, आपको साइन सिम्टम्स और सिंड्रोम का पता होना चाहिए, पेशेंट किस लेवल पे आपने देखे हैं। अगर आप CLD को अच्छी तरीके से देखा है पेशेंट को, तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप किसी चीज़ में घबराएं नहीं, हर चीज़ मैनेजमेंट की है, पेपर मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट के ऊपर ही ये सारा पेपर है। DHO दुबई ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट का ये पेपर है, और काफ़ी लोग दे रहे हैं, ख़ासतौर पे मेरे इंडिया से दोस्त हैं बहुत दे रहे हैं, ज़्यादातर इस्लामाबाद से भी कुछ बच्चियों ने पूछा है कि भाई अब हमें बताएं हम DHO कैसे दें और आप वीडियो बनाएं, तो मुझे वहाँ से कहा गया है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाई है। और सारे इस वीडियो के अंदर अभी अब्दुलरऊफ़ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, अनम ने ज्वाइन किया है, और इसहाक हिराज ने किया है। काफ़ी लोग मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं, आप पेज पे आएँ, आपको सारी मालूमात DHO की ऑलरेडी मैं इस वीडियो में दे चुका हूँ। आप वीडियो देखें, शेयर करें, अपने डॉक्टर्स तक पहुँचाएँ, ख़ासतौर पर स्पेशलिस्ट के लिए तो बहुत ही ईजी है ये, जिनके पास ब्रॉड नॉलेज है, ठीक है। और घबराएं नहीं, एग्ज़ाम से किसी भी डॉक्टर को घबराना नहीं है, प्रोसीजर सेम चल रहे हैं, एग्ज़ाम मुश्किल है, पर जब आपके पास USMLE की बुक्स हैं ऑलरेडी, CK1, CK2 और मास्टर रिव्यू MCQs हैं आपके पास, तो आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे
रखें, और ग्रुप बहुत ग्रुप हैं गल्फ के, तो उन ग्रुपों को ज्वाइन करें, प्रैक्टिस करते रहें एमसीक्यूज की, एग्ज़ाम इंशाल्लाह आपका निकलेगा और पास होगा। अब आ जाते हैं डेंटल के लिए। डेंटल के लिए यहाँ इशू मज़ा मुश्किल है, क्योंकि जो जॉब है नहीं वहाँ डेंटल के लिए। तो डेंटल के लिए मैं उनको कहूँगा कि आप DOHO के बजाय आप सीधा DHA दे दें, दुबई हेल्थ अथॉरिटी एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो अबू धाबी के अंदर टोटली जो वो डॉक्टर्स हैं डेंटल, वो ज़्यादातर उनके UAE के डॉक्टर हैं, ठीक है ना। आप DHA दें और बेहतरीन है, अपनी बेसिक आर्थो डेंटो की जो आपके पास नॉलेज है, क्लिनिकल अप्रोच अच्छी है, तो आप आराम से दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में एक इंटरेस्टेड लाइसेंस मेडिकल काउंसिल लेके आऊँगा, उसके बारे में भी बताऊँगा। वो भी गल्फ के अंदर है, उसका नाम है QSHP, कतर हेल्थ अथॉरिटी का लाइसेंस एग्ज़ाम है, और DHO उससे बेहतरीन है। मैं तो आपको सबको यही कहूँगा कि आप DHO की तैयारी करें, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है DHA के अंदर। आप अलेन में भी काम कर सकते हैं, आप दुबई में भी काम कर सकते हैं, अबू धाबी में भी, शारजा में, UAE के अंदर आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन हैं पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं हाज़िर हूँ। मैं डॉक्टर आसिम परवेज़, जाते जाते आप सबसे यही दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रहें, आप चाहे आप साउथ एशिया में कहीं भी रह रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के लिए मैं इंशाल्लाह जल्द हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।